हेलो दोस्तों, मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लाए करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, यानी कि आप जानते हैं कोई भी एग्जाम लो, जैसे एमपी पुलिस, रेलवेज एंड एसएससी, हर एग्जाम में आज के समय में जो करंट अफेयर है वो 10 से 15 नंबर तक पूछा जा सकता है। तो हम आपके लिए इसी तरह डेली की वीडियो लाएंगे, डेली वीडियो लाएंगे जो कितने मिनट की रहेगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें आपकी लगभग सभी करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश किसको घोषित किया गया है? अभी हाल ही में टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश किसको घोषित किया गया? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हम करंट अफेयर के साथ साथ जितनी हो सकेगी स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। अब जैसे जो लक्षद्वीप है, ये कौन से सागर में स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है, ठीक। अब जो टीवी है, जो टीवी बीमारी है, वो किसके द्वारा होती है? तो ये होती है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और टीवी की, जीवाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि विश्व ने एक लक्ष्य रखा है, गोल रखा है कि टीवी मुक्त विश्व कब होगा? तो ये होगा आपका गोल है 2000 टीवी मुक्त 2030, जबकि भारत ने क्या लक्ष्य रखा है टीवी मुक्त का? 2025। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आज है 27 मार्च, तो 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। ये आपको याद रखना है, विश्व रंगमंच दिवस। देखिए, दिवस भी महत्वपूर्ण है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको हम कहते हैं थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे भी कहते हैं। तो 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। आपको एक पॉइंट याद और रखना है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में हुई थी। और 2002 की बात है, 2002 जो एक व्यक्ति है ग्रीस कर्नाड, आपने एक मूवी देखी होगी एकता टाइगर, उसमें जो सलमान खान के जो मतलब हेड होते हैं वो होते हैं ग्रीस कर्नाड। तो उन्होंने, ग्रीस कर्नाड जी ने अंतरराष्ट्रीय संदेश देने वाले प्रथम भारतीय, किसमें? रंगमंच पर, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने वाले प्रथम भारतीय, संदेश देने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन है? ग्रीस कर्नाड है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 27 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। दोनों आपको याद रखना है, दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुनर हाट का अभी हाल ही में 26 मार्च को हुनर हाट का आयोजन किया गया है। किसका? हुनर हाट का आयोजन। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है जो हुनर हाट है वो कौन से राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गोवा में। कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। अब गोवा से आपको याद रखना है, जो गोवा है ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। और गोवा के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत। और इनके राज्यपाल भी याद रखना है आपको,
भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। तो गोवा क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो सिग्मो महोत्सव हाल ही में मनाया गया वो कहाँ पर मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। ठीक, आपको इतने पॉइंट इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें कि जो माइक रोड शो है वो हाल ही में कौन से राज्य में प्रदर्शित, मतलब उद्घाटन इसका किया गया है? माइक MICE रोड शो हाल ही में किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है MP में। MP में भी कौन सी जगह? खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में। खजुराहो से आपको याद रखना है, जो खजुराहो में, खजुराहो का जो निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। ठीक, अब खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो आपको याद रखना है कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं पंचायतन शैली में बने। ये जो MP का पोर्शन है ये आपको याद रखना है, MP पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये तो रटना ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिक्किन सोनिया जीवाश्म मिला है। कौन सा? डिक्किन सोनिया, सोनिया याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा डिक्किन सोनिया जीवाश्म। अभी ये जीवाश्म किससे संबंधित है? ये संबंधित है डायनासोर से। ठीक है, हाल ही में डिक्किन जीवाश्म मिला है, डिक्किन सोनिया जीवाश्म, सोनिया जीवाश्म मिला है। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? डायनासोर का है। किसका है? डायनासोर का जीवाश्म। क्वेश्चन आता है कहां पर मिला है, ये भी MP से है, तो ये मिला है आपका MP के, ये मिला है आपका MP के भीमबेटका स्थान पर, भीमबेटका गुफा में। ठीक है, भीमबेटका गुफा में ये मिला है। क्या? डिक्किन सोनिया जीवाश्म कहाँ पर मिला है? MP के भीमबेटका गुफा में मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, भारतीय विमानापत्तनम के हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? प्रमुख, इसको प्राधिकरण भी कहते हैं, भारतीय विमानापत्तनम प्राधिकरण, इनके जो प्रमुख हैं हाल ही में चुने गए उनका नाम है संजीव कुमार। किसको सिलेक्ट किया गया है? संजीव कुमार को सिलेक्ट किया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भपात के बाद जो वैतनिक अवकाश है वो किस देश के द्वारा दिया गया है? जो गर्भपात किया जाता है, गर्भपात के बाद वैतनिक अवकाश किस देश के द्वारा दिया गया है, तो उसका याद रखना है आपको न्यूजीलैंड, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो खेल से संबंधित है, ये तो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका हाल ही में चौथा संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण हुआ है? चौथा संस्करण हुआ है, चौथा संस्करण। तो पूछा जाता है कौन से स्थान पर हुआ है, तो ये हुआ है पंचकुला में। अब ये पंचकुला कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। ठीक है, अच्छा, इसका चौथा संस्करण जब पंचकुला में हुआ है, तो इसके फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड, ये भी हुए होंगे। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फर्स्ट कहां पर हुआ। चलो फर्स्ट बता देता हूं मैं, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो आपको ये करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी ये आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए हम डेली इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो आपको चैनल को द वंदे मातरम अकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।